इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका थी। इंडियन आर्मी के वे योद्धा जिन्हें जल थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, ये है मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने सैल्यूट इंडियन आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्कोस कमांडोज को समुद्री मिशन को अंजाम देने में महारत हासिल है। 20 साल उम्र के 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर ऑफिसर्स की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। दोस्तों, जैसे भारतीय थल सेना में कई रेजिमेंट हैं जिनके नाम से दुश्मन कांपता है, वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो है जो अकेले दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। मार्कोस चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समुंदर की गहराई में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, ये अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। मार्कोस की कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा होता है डेथ क्रॉल, जिसमें जवान को जांघों तक भरी हुई कीचड़ में भागना होता है। इतना ही नहीं, उनके कंधे पर 25 किलोग्राम का बैग भी होता है। इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। मार्कोस नौसेना के स्पेशल मरीन कमांडोज हैं और किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए इन्हें बुलाया जाता है। ये समुद्री ऑपरेशंस में इतने माहिर होते हैं कि पानी के अंदर ही तैरते हुए विरोधी तटों तक पहुंच सकते हैं। इन्हें हर तरह के हथियार से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर चाहे वो चाकू हो, स्नाइपर राइफल हो, हैंडगन हो या हो सब मशीन गन, इनके पास जो हथियार होते हैं वो दुनिया के सबसे बेहतर हथियारों में से होते हैं। बेहतरीन राइफल्स में से एक इजरायली TAR-21 है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए हालो और हाहो जंप को क्वालिफाई करना होता है। मार्कोस की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है जो इनका आधार घर भी होता है। भारत की मार्कोस कमांडो सबसे कुशल कमांडो मानी जाती है। सबसे कुशल बनने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो मार्कोस बनते हैं। मार्कोस का नाम पहले मरीन कमांडो फोर्स MCF हुआ करता था। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन US नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। ये दुनिया भर की स्पेशल फोर्स के साथ कई संयुक्त अभ्यास करते हैं। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट का गठन 1987 में किया गया था। समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए समुद्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इनका गठन किया गया। दोस्तों, हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता, इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मार्कोस के सिलेक्शन के लिए मापदंड काफी मुश्किल होता है। अगर मार्कोस के लिए चुन भी लिए जाते हैं तो उन्हें कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो लगभग 2.5 से 3 साल तक चलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही पास में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आर्मी से जुड़े वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। साथ ही हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मुलाकात होगी आर्मी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी के साथ। जय हिंद।